नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 8 के सेकंड इवोल्यूशन के पाठ्यक्रम के अनुसार भारत की भाषिक एकता पाठ का विश्लेषण करेंगे। इस पाठ में हम देखेंगे कि भारत में कितने सारे भाषाएं बोली जाती है और भाषाओं में हम लोगों को किस तरह का मेल मिलता है। जो भाषा हमें नहीं आता है फिर भी उस भाषा के इंसान के साथ हम जब बात करते हैं उसके कुछ ना कुछ ढंग देख के बातों को कुछ ना कुछ हम लोगों को समझ में आता है। ये जो चीज़ है इससे हम लोगों को पता चलता है कि एक भाषा दूसरे भाषा से कनेक्टेड है, जोड़ा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं भारत की भाषिक एकता पाठ को। एक सुंदर सी फुलवारी में जब भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक फूल खिले हुए होते हैं तब देखने वालों को बहुत खुशी मिलता है। मतलब एक सुंदर सी फुलवारी, सोच लो एक बगीचे में बहुत सारे प्रकार के फूल खिले हुए हैं, वो जो चीज़ है वो देखने में हम सभी को, देखने वालों को मतलब हम सभी को वो चीज़ देखने में बहुत अच्छा लगता है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमें ये पता है कि भारत में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है। भाषाओं की इस फुलवारी में खिले फूल के समान हर एक भाषा अपना अपना अनोखा रूप, रंग और सुगंध है। भाषाओं की इस फुलवारी में मतलब भारत में जितने सारे भाषाएं बोली जाती हैं इसको एक फूल की तरह तुलना किया गया है, क्योंकि बगीचे में बहुत सारे प्रकार के फूल होते हैं उसी तरह भारत में बहुत प्रकार के भाषाएं बोली जाती हैं। और ये जो फूल है, ये जो भाषाएं हैं, ये फूल फुलवारी में मतलब इस बगीचे को, इस भारत की सुंदरता को वृद्धि करने में अनोखा रंग रूप सुगंध फैलाती है। भारत की अपना अपना अनोखा रंग रूप सुगंध दिखाता है। जैसे हर एक फूल फुलवारी की सुंदरता में चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, जैसे हर एक फूल फुलवारी के बगीचे की सुंदरता बढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। चार चांद लगाना मतलब सुंदरता बनाना, ठीक है, तो कोई भी कसर नहीं छोड़ता। वो अपने अर्थ से कोशिश करता है कि मैं भी लोगों की नज़र में आऊँ, मैं भी सुंदर लगूँ। इसी तरह से वो खिलता है, इसी तरह से वो रहता है, ठीक है। जैसे भी फूल खिलता है उसको देखने में सुंदर ही लगता है। और विभिन्न प्रकार के फूल हम लोग एक साथ जब देखते हैं तो और भी सुंदर लगता है वो बगीचा हमें। तो यही बोल रहा है कि चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। वैसे ही भारत की बहुभाषिक संस्कृति को इनकी हर एक भाषा से परिपुष्टि मिलता है। ऐसे ही भारत की बहुभाषिक संस्कृति मतलब विभिन्न भाषाओं को बोली जाने वाली जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसमें ये परिपुष्टि मिलता है। उस चीज़ से इसको भी परिपुष्टि मिलता है, इसका विकास होता है। विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लोक कथाएं, विभिन्न भाषाओं में विभिन्न लोक कथाएं भी है, लोकगीत मतलब फोक सॉन्ग भी है विभिन्न भाषाओं में। विभिन्न हम लोग के जो सिलेटी भाषा हम लोग बोलते हैं उसमें भी हम लोग को लोकगीत मिल जाएगा, उनके भी लोक कथाएं भी मिल जाएंगे, मुहावरे फ्रेज मिल जाएंगे, इडियम्स मिल जाएंगे, कहावतें, विविध विधाओं की साहित्यिक रचनाएँ आदि, विभिन्न राइटर से लिखा हुआ कोई भी किताबें, इन सब भाषाओं में हम लोगों को मिल जाएगा। मिलकर ही भारत की सामाजिक संस्कृति को विशिष्ट बनाती है। और भारत जो समन्वित संस्कृति से घिरा हुआ है, हर एक चीज़ से मिले होके वो अपना विशिष्ट स्थान, असाधारण स्थान बनाता है, यही चीज़ इधर में बोला गया है। विविधता में एकता भारतवर्ष की प्रमुख विशेषता है। भारत की प्रमुख विशेषता है विविधता में एकता। विविधता मतलब वैरायटी में भी यूनिटी, हर एक चीज़ से मिलकर रहना, ये भारत की विशेषता है। भाषा के क्षेत्र में भी यही विविधता परिलक्षित होता है और भाषा के क्षेत्र में भी ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है। भारत में बोले जाने वाली 1500 से भी अधिक भाषाओं में से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान ने अष्टम अनुसूची में स्वीकृति दिया है। भारत में 1500 से भी अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं और इनमें से सिर्फ 22 भाषाओं को भारत की संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8वीं अनुसूची में स्वीकृति प्राप्त मिला है, पार्ट नंबर आठ में। हिंदी, असमिया, बोरो, बंगला, उड़ीसा आदि ऐसी ही संविधान स्वीकृति कुछ भाषाएं हैं। हिंदी, असमिया जो असम देश की भाषा है, हिंदी हमारा देश की पूरा भाषा है, सभी ज़्यादातर बोलने वाली भाषा जो है, बोरो, बंगला, उड़ीसा आदि ऐसी संविधान स्वीकृति कुछ भाषा है। संविधान में ऐसे स्वीकार किया गया है कुछ भाषाओं के नाम हैं, परंतु ऐसी अनेक भाषाएं हैं जो अब तक संविधान में सन्निविष्ट नहीं हुई है। और ऐसे और भी अनेक सारे 1500 भाषाओं में से सिर्फ 22 भाषाओं को लिया गया है, मतलब और भी बहुत सारे भाषाएं रह चुके हैं जिन भाषाओं को अभी भी संविधान स्वीकृति नहीं मिला है। इनमें से कुछ भाषाएं राज्यों की राज्य भाषा
के रूप में भी स्वीकृत है। इनमें से कुछ भाषाएं ऐसे हैं जो राज्य की राज्यभाषा, मतलब आसाम में हम लोग बरागवली में रहते हैं तो इधर में सिलेटी बोलते हैं, कोई हबीगंजी बोलता है, बहुत सारे भाषाएं हैं, उन भाषाओं को राज्य के राज्य भाषाओं के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुआ है। उदाहरण के लिए मिजू, खांसी, गारो आदि के नाम लिया जा सकते हैं। जैसे मिजोरम में मिजोरम राज्य के भाषा मिजो भाषा जो होता है वो है, खांसी भाषा, गारो लोगों के गारो भाषा आदि के नाम लिए जा सकते हैं। ये जो अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं, क्या उन्हें एक दूसरे को समझने समझाने में मुश्किल नहीं होती? ये एक अच्छा क्वेश्चन प्रश्न है कि ये जो विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं, इन लोगों को एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे से आलाप करने में, किसी तरह से उनको अपनी बातों को समझाने में दिक्कत नहीं होता है, असुविधाएं नहीं होती है? हाँ, मुश्किल तो होती है, कभी कह रहे हैं कि हाँ मुश्किल तो होती है ज़रूर, पर इन भाषाओं में कुछ ऐसे तत्व है, ऐसी चीज़ है समाहित है जिनके कारण एक भाषा बोलने वाले लोग दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों की बात कुछ ना कुछ तो समझ ही लेते हैं। और इन भाषाओं में कुछ ना कुछ शब्द का ऐसा मेल है कि कुछ ना कुछ जो भाषा तुम्हें समझ में नहीं आता है लेकिन उस भाषा के आदमी के साथ अगर तुम बात करोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ शब्द तुम्हें समझ में आ जाएगा, समझ ही लेते हैं, यही इधर में लिखा हुआ है। उनकी भाषा भी कुछ कुछ जानी पहचानी सी लगती है, और उनकी भाषा भी कुछ कुछ हम लोगों को जानी पहचानी सी भाषा लगने लगता है। इन तत्वों ने ही भारतीय भाषाओं को एकता के सूत्रों में बांध रखा है। इन चीज़ों के कारण ही भारतीय भाषा को एकता के सूत्रों में बांध के रखा हुआ है, यूनिटिक में रहते हैं। रामायण महाभारत की कथा है तो तुम लोग जानते ही हो गए ना, बोल रहे हैं कि रामायण महाभारत की कथा है तो हम लोग सभी जानते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले संस्कृत भाषा में ये महाकाव्य लिखे गए थे, आज से हजारों वर्ष पहले संस्कृत भाषा में ये सब महाकाव्य लिखे गए थे। संस्कृत भाषा में ही विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद की रचना हुई। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद है, और उसकी रचना संस्कृत भाषा में ही हुई थी। उसके बाद इसी भाषा में उपनिषद, उसके बाद उपनिषद प्राचीन हिंदू एक धार्मिक ग्रंथ है, पुराण, ठीक है, जैसे विष्णु पुराण, ये भी हिंदू के ग्रंथ है, आदि अनेक ग्रंथों की रचना हुई। ऐसे अनेक सारे ग्रंथों की रचना हुई उस भाषा में, संस्कृत भाषा में। पंचतंत्र हितोपदेश की नीति अमर कथा है, नीति कथा है, मतलब नीति कथा वाले ये बुक है, पुराण, उपनिषद, पंचतंत्र, उपनिषद, इसमें नीति कथाएं लिखा होता है, जीवन में चलने के लिए नियम कानून जो होता है उसमें लिखा हुआ है ये ग्रंथ। अमर कथाएं, कालिदास भवभूति, कालिदास लेखक है, भवभूति आदि के विश्व विख्यात काव्य नाटक आदि इस भाषा में ही रचे गए। कालिदास भवभूति आदि के विश्व विख्यात नाट्य काव्य ग्रंथ जो होते हैं, वो लोगों ने जो काव्य ग्रंथ लिखा था वो भी इस संस्कृत भाषा में लिखा गया था, नाटक सभी कुछ। कालक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में फैले जाने के पश्चात संस्कृत भाषा कुछ कुछ परिवर्तन होने लगे। कालक्रम में समय बीतने के बाद ही विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का विस्तार होने के पश्चात संस्कृत भाषा कुछ कुछ परिवर्तित होने लगी, कुछ कुछ चेंजिंग आने लगा उसमें, और इसके फलस्वरूप कालांतर में कई आधुनिक भारतीय भाषा जैसे हिंदी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, मराठी आदि उत्पन्न हुई। और इसके कारण ही समय के साथ साथ भारत में इस संस्कृत भाषा से ही हिंदी, असमिया, बांग्ला, उड़ीसा, मराठी आदि भाषाओं की उत्पन्न हुई। तो कहा जा सकता है कि आधुनिक भारतीय भाषा की उत्पत्ति मूलतः संस्कृत भाषा से ही हुई है, और आजकल जो हम लोग भाषा बोलते हैं सभी भाषा की उत्पत्ति मूलतः संस्कृत भाषा से ही हुई है, ये कहा जा सकता है। इसलिए संस्कृत भाषा के अनेक शब्द और व्याकरण के अनेक नियम आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी प्राप्त होते हैं। इसलिए संस्कृत भाषा के अनेक शब्द आप लोगों को पढ़ाई लिखाई में मिल जाएंगे हैं, और व्याकरण के अनेक नियम भी हम लोगों को मिल जाते हैं आधुनिक भाषाओं में। इस रूप में भारतीय भाषाओं में एकता की झलक परिलक्षित होती है। इसके कारण ही भारतीय भाषा में एकता की झलक परिलक्षित होती है, क्योंकि एक भाषा दूसरी भाषा से कनेक्टेड है, एक भाषा दूसरी भाषा से आए हैं, और उनका मूलतः जिस भाषा से आया है वो भाषा संस्कृत है। संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण के आधार पर प्रांतीय भाषाओं में भी रामायण लिखे गए। संस्कृत में वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखा था, और उसी रामायण के आधार पर ही संस्कृत भाषा में लिखा गया, उस रामायण के आधार पर भी कालांतर में बाकी लेखकों ने अपने अपने राज्य के राज्य भाषा में और
अपने आधुनिक भाषाओं में भी इसका रूपांतरण किया है, अनुवाद किया है, रामायण लिखे गए हैं। कम्बन ने तमिल भाषा में लिखा है, कम्बन नामक लेखक ने तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किया। रामायण का अनुवाद किया तो माधव कंदलुनी ने असमिया भाषा में, माधव कंदलुनी ने असमिया भाषा में रामायण का रामायण लिखा है। और तुलसीदास ने अवधी में, अवधी भाषा में उन्होंने लिखा था रामचरितमानस। तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखे हैं। श्रीमद् भागवत और महाभारत में वर्णित कथाओं के आधार पर प्रांतीय भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे हैं, और प्रांतीय भाषाओं में भी अनेक सारे ग्रंथ लिखे हैं। श्रीमद् भागवत हैं और महाभारत के आधार पर प्रांतीय भाषा में, हम लोगों के लोकल भाषाओं में भी बहुत सारे, अंचल के आंचलिक भाषाओं में भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों के आधार पर। असम के महापुरुष शंकरदेव और उनके शिष्य माधवदेव की रचनाएं भी संस्कृत के ग्रंथों पर ही आधारित है। असम के महापुरुष जो शंकरदेव है और उनका शिष्य जो था माधवदेव, उनके जो ग्रंथ है वो भी संस्कृत के ग्रंथों पर ही आधारित है। पंचतंत्र तथा हितोपदेश की अमर कथाओं का अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में प्राप्त है। पंचतंत्र और हितोपदेश की नीति कथाएं जो हैं वो उसका अनुवाद हर एक भाषाओं में है, भारतीय सभी भारतीय भाषाओं में प्राप्त होता है। इसके फलस्वरूप स्थानीय भाषाओं के साहित्य में वर्ण विषय का साम्य परिलक्षित होता है। आधुनिक भारतीय भाषा में संस्कृत के अनेक शब्द, कुछ जो के तो मतलब संस्कृत के जो शब्द जैसे है वैसे ही है, कुछ थोड़ा बदल कर प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के शब्द कुछ थोड़ा बदल कर भी आधुनिक भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शब्दों को क्रमशः तत्सम और तद्भव शब्द कहते हैं। इस शब्द को आप लोग व्याकरण जब पढ़ेंगे तब हम लोग को मिलेगा, तत्सम और तद्भव, मतलब तत्सम शब्द का मतलब होता है करस्पेंडिंग वर्ड्स और तद्भव मतलब होता है एलिमेंट वर्ड्स। इन शब्दों का मेल मिलता है हम लोगों को। इन तत्सम और तद्भव शब्द के कारण अनेक भाषाओं के शब्द भंडार में समान रूप के शब्द भरे पड़े हैं। अनेक भाषाओं के डिक्शनरी जब हम लोग खोलते हैं शब्द भंडार में, डिक्शनरी में बहुत सारे मेल हम लोगों को मिलते हैं। संस्कृत के डिक्शनरी भी खुलोगे एक समान मीनिंग, बंगला का भी सेम, हिंदी का भी सेम होता है, ऐसा मिलता है। पर यह भाषिक एकता एकता का एक प्रमुख तत्व है, यह भाषिक एकता का एक प्रमुख परिचय है। प्राचीन काल में भी हमारे देश में विभिन्न जातियों के लोगों का निवास था। प्राचीन काल में हमारे देश में विभिन्न जनजाति जातियों का निवास था और उनकी अपनी अपनी भाषाएं थी और उनके अपने अपने मतलब अंचल के आंचलिक भाषा, जाति के जातीय भाषा जो है वो था। इन भाषाओं में द्रविड़, ऑस्ट्रिक, मंगोलियो, तिब्बत बार्मी आदि अनेक मूलों की भाषाएं हैं। इन भाषाओं में द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रिक भाषा, मंगोलियो भाषा, तिब्बत बार्मी लोगों से आने वाले लोग जो भाषा व्यवहार करते थे वो भाषा ये भी है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ मूल की है। ये भाषाएं द्रविड़ मूल की भाषा से आई है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि जो साउथ इंडियन साइड में जो भाषाएं बोली जाती है ये मूलतः द्रविड़ मूल की भाषा है। पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित बोरो, कार्बी, मिसिंग, मिरी, तिवा, दाउरी, ताई, खासी, गारो, मणिपुरी, मिजो, चकमा, आओ, अंगमी आदि, आवर इत्यादि भाषाएं ऑस्ट्रिक, मंगोलियो, तिब्बत, बार्मी आदि आदि अलग अलग मूलों की भाषाएं है। ऑस्ट्रिक और मंगोलियो तिब्बत बार्मी भाषाओं से आए हैं। इन भाषाओं में भी एकता के तत्व परिलक्षित होता है। इन भाषाओं में भी यूनिटी जो है, एकता जो है वो परिलक्षित होता है, देखने को मिलता है। पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड में हम लोग के इधर में अधिक संख्यक लोगों की बोलचाल की भाषा असमिया है। अधिक संख्यक लोग हम लोग के इधर में असमिया बोलते हैं, असम में जो रहते हैं वो लोग असमिया भाषा बोलते हैं। अतः यहाँ के जनजातीय लोगों के समाज में पारस्परिक संवाद असमिया भाषा के जरिए होता है, और यहाँ के जनजातीय लोग मतलब हम लोग एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं वो असमिया भाषा में कहते हैं। ये लोग सोचते हैं असमिया, हम लोग तो बरागवली में रहते हैं इसलिए बंगला बोलते हैं, स्लेटी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग के जो बोलचाल की भाषा है वो स्लेटी है, असमिया भाषा के जरिए ही होती है। उदाहरण के लिए नागालैंड में अनेक जनजातियों के लोग जनजातीय लोगों का निवास है। उदाहरण के लिए बोला जाए कि नागालैंड में अनेक जनजातियों के लोग, हम लोग के इधर के भी बहुत सारे लोग उधर में जाके रहते हैं, गुवाहाटी के बहुत सारे लोग जाके उधर में रहते हैं, जो लोग आसामी भाषा, जिनका मदर टंग आसामी से, वो लोग भी उधर में जाके रहते हैं नागालैंड में और निवास है, और उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। अनेक जनजाति के लोग रहते हैं और उनके भाषाएं भी अलग अलग है, हर एक का मदर टंग अलग अलग होता है। आपसी संपर्क की सुविधा के लिए
नागा लोग नागा जनजातीय भाषा के तत्व तथा असमिया के मिश्रण से बनी नागामीज भाषा का व्यवहार करते हैं और एक दूसरे से आपसी संपर्क मतलब एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने के लिए वो लोग नागा और असमिस मिक्स्ड भाषा बोलते हैं जिसको हम लोग नागामिस एक साथ नागामिस कहते हैं। ये भाषा का व्यवहार वो लोग नागालैंड में करते हैं। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश के लोगों में लोग भी विभिन्न जनजातीय समुदाय में पारस्परिक संपर्क तथा आदान प्रदान के लिए नेफाबिस तथा हिंदी का व्यवहार करते हैं और इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में भी लोग एक विभिन्न जनजातियों के लोगों के साथ मिलकर रहने के लिए बातचीत करने के लिए वो लोग उन लोगों का जो लैंग्वेज है उन जनजातियों का जो लैंग्वेज है उसके साथ असमिस मिक्स करके नेफामिस भाषा प्रयोग करते हैं व्यवहार करते हैं। इस प्रकार के भाषा व्यवहार के कारण भाषाओं में एकता का तत्व समावित हो जाता है। इस तरह के भाषा का व्यवहार होने के कारण ही भाषाओं में जो एकता है वो देखने को मिलता है। भारतवर्ष में जब मुसलमान लोगों का आगमन हुआ तब उनके साथ अरबी और फारसी भाषाएं भी आ गई। भारतवर्ष में जब मुसलमान लोग आए थे तब उनके साथ अरबी और फारसी भाषा लेके आए थे। इन भाषाओं के प्रभाव के कारण आधुनिक भारतीय भाषाओं में किताब कलम कागज चश्मा दुनिया आदि हमेशा व्यवहार में आने वाले अनेक शब्द का प्रचलन होने लगा है और उन अरबी और फारसी भाषाओं के कुछ शब्द का प्रचलन हम लोगों के सचराचर भाषाओं में भी मेल हो गया। हम लोगों के भाषाओं के साथ उसका मेल हो गया है। आधुनिक भाषाओं में भी किताब कलम कागज दुनिया चश्मा आदि हमेशा व्यवहार और आने वाले अनेक शब्द का प्रचलन होने लगा। मुसलमान के बाद भारत में अंग्रेज फ्रांसीसी डॉच पुर्तगाल आदि अनेक यूरोपीय जनजाति के लोग आए। मुसलमान के बाद ब्रिटिश लोग भी हम लोगों के भारत में आए और उन्होंने उपनिवेश बना लिया और उधर उन्होंने आकर इधर में अपना घर बना लिया, इधर में रहना शुरू कर दिया। इनके सान्निध्य के कारण, इनके समीप में रहने के कारण, इनके साथ रहने के कारण हमारी भाषाओं में इनकी भाषाओं के अनेक शब्द आ गए और हमारे भाषाओं में भी इनकी भाषाओं के अनेक शब्द मिल गए और धरल्ले से प्रयोग भी होने लगे और सचराचर इसका प्रयोग भी होने लगा। हमारे भाषाओं में हम लोग जो ब्रिटिश भाषाएँ यूज़ करते हैं उसका प्रयोग स्कूल, जैसे हम लोग हर वक्त बोलते हैं स्कूल, अलमारी, स्टेशन, साइकिल आदि यूरोपीय भाषा से आगत है। ये सभी भाषाएं यूरोप भाषा से आए हैं। अगर हम हिंदी बोलते हैं तो हम लोग स्कूल नहीं बोलते, हम लोग विद्यालय बोलते हैं, ठीक है। वैसे आए हैं ये सब भाषा। इन विदेशी भाषाओं से आगत शब्द के कारण आधुनिक भारतीय भाषाओं में एक प्रकार का संपर्क सूत्र बन चुका है। आधुनिक भारतीय भाषा में इन विदेशी शब्दों से एक प्रकार का संपर्क सूत्र बन गया है, एक दूसरे से मेल खा रहा है यह सब। अंग्रेजी शासन के स्वतंत्रता होने के पश्चात, अंग्रेजी शासन के खत्म होने के बाद हम लोग पश्चात भारतीय संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी। 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि को लिपि में लिखित हिंदी, देवनागरी लिपि में जो हिंदी हम लोग आजकल लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में है, वो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली, भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में इसको स्वीकृति मिला। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की भी भारत के राजभाषा मतलब राज्य के भाषा के रूप में स्वीकृति मिला उसको। और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की भी मर्यादा दी थी और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जनता ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के भी स्वीकृति दिया था और यह भाषा राष्ट्रीय अस्मिता मतलब राष्ट्रीय अभिमान की प्रतीक बन गई थी। देश के हिंदीतर भाषी राज्यों में हिंदी प्रचार प्रसार की लहर फैल गई। देश में चारों तरफ हिंदीतर भाषी लोगों ने देश के चारों तरफ हिंदी का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। हिंदीतर भाषी राज्यों के बीच संपर्क भाषा के रूप में भी व्यवहृत होने लगी थी और हिंदी भाषा देश के चारों तरफ हर एक लोगों से बात करने के लिए व्यवहार होने लगा था। इधर जनसंचार माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, इन सब माध्यमों में भी हिंदी अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी थी और हिंदी अपने लिए एक गुरुत्वपूर्ण स्थान, एक महत्वपूर्ण स्थान बना के रखा था। विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर्स में, फिल्म
टीवी सीरियल विज्ञापन आदि में हिंदी का प्रयोग होने लगा था और क्या बोलते हैं उसको जनसंचार माध्यम में भी इस भाषा को स्वीकृति मिलने लगा था। फिल्म टीवी सीरियल हर एक चीज़ में भी इसका प्रयोग होने लगा था हिंदी भाषा का और ये देश भर में संप्रचारित भी होते हैं और ये सभी टीवी सीरियल फिल्म ये सभी देश भर में ब्रॉडकास्टिंग होना शुरू हो गया। अतः विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषा में हिंदी के प्रभाव के कारण कई समान तत्व आ गए और विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषा में हिंदी के प्रयोग के कारण हिंदी भाषा बोलने के कारण इनके कई समान तत्व आ गए। हिंदी से मेल खाता हुआ बहुत सारे भाषा हम लोग के समान सचराचर बोले जा रहे हैं, राज्य के राज्य भाषा, अंचल के अंचल भाषा, हर भाषा में मेल आने लगा है, बहुत सारे शब्द आ गए हैं। साहित्यिक अनुवाद के जरिए जो साहित्यकार होते हैं वो अपने अनुवाद के जरिए ट्रांसलेशन के जरिए किसी एक भाषा के बोलने वाले लोगों को अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट और विशिष्ट रचनाओं का स्वाद प्राप्त होता है। उत्तम और विशिष्ट मतलब असाधारण रचनाओं का स्वाद प्राप्त होता है। मतलब वो लोग हर एक नया भाषा का किताब ला के तुम दे दे, सोचो कि हम लोग के पास अगर ब्रिटिश लोग नहीं आते तो इंग्लिश किताब हम लोग को नहीं मिलता, तो ब्रिटिश लोग आए तो इंग्लिश किताब मिला, तो आजकल हम लोग के बच्चे भी इंग्लिश अच्छी तरह से बोलने लगे, आप लोग भी अच्छी तरह से इंग्लिश बोलने लगे, ऐसे भाषाओं का मेल होने लगा है, ये साहित्यों का देन है। इसके अलावा भाषिक समृद्धि में भी साहित्यिक अनुवाद का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और भाषिक समृद्धि मतलब भाषा के विकास में भी साहित्यिक लोगों का महत्वपूर्ण साहित्यिक अनुवाद का साहित्यिक ट्रांसलेशन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन लोगों ने ट्रांसलेशन किया था इसलिए हम लोग हर एक जगह पे जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ बोलने के लिए हम लोग वैराइटीज भाषा का विभिन्न भाषाओं का प्रयोग भी कर सकते हैं। जिस जगह पे जाते हैं उस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं ताकि उसके साथ हम लोगों को संपर्क बनाने में सुविधा हो। इसी तरह हिंदी के प्रयोग क्षेत्र में विस्तार तथा स्थानीय भाषाओं में भी विभिन्न विषयों की परिभाषिक शब्दावली निर्माण कार्य की अनुवाद से काफ़ी सहायता मिला है। हिंदी के प्रयोग क्षेत्र में हिंदी प्रयोग करने के लिए और विस्तार के लिए हिंदी का विकास करने के लिए स्थानीय भाषा में जो हम लोग के स्थान के जो भाषा होता है वो स्थानीय भाषा में विभिन्न विषयों की परिभाषिक शब्दावली डिक्शनरी ऐसे दूसरी भाषाओं की शब्दावली डिक्शनरीज में निर्माण कार्य का अनुवाद से काफ़ी सहायता मिला है। सबको सीखने में सुविधा हुआ है हम लोग को, जैसे हम लोग अगर इंग्लिश का डिक्शनरी खुलते हैं तो किसी भी मीनिंग का उसका बंगला ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा, हिंदी का अगर लोगे तो हिंदी का ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा, ऐसे मिलता है। विभिन्न भाषाओं के पारस्परिक सहयोग से काफ़ी शब्दों का विकास और निर्माण हुआ है। विभिन्न भाषाओं के मेल से पारस्परिक संपर्क से बहुत सारे शब्दों का भी निर्माण हुआ है। कुछ क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली इंटरनेशनल शब्दावली मतलब डिक्शनरी का भी प्रयोग स्वीकृति हुआ। इन सभी कारणों से आधुनिक भारतीय भाषा में पारस्परिक संपर्क बढ़ने लगा और इसी कारण ही आधुनिक भारतीय भाषा में पारस्परिक संपर्क एक दूसरे के साथ मेल बढ़ता चला गया है। भाषाओं में सामान्य तत्व की वृद्धि हुई है, भाषाओं में बहुत सारे तत्वों की चीज़ों की वृद्धि हुई है, उन्नति हुई है। भारत में भाषिक एकता के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और भाषा की एकता के लिए ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात है। भारत की विभिन्न भाषाओं की लिपियाँ भी भिन्न भिन्न है। भारत की विभिन्न भाषाओं की लिपियाँ भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। लिपियाँ जो हम लोग लिखने के लिए जो अक्षर का यूज़ करते हैं, जो लिखने का जो ढंग होता है उसका भिन्न भिन्न है। उदाहरण अर्थ हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, हिंदी जो भाषा हम लोग लिखते हैं उसका लिपि जो है वो देवनागरी है। पंजाबी की है गुरुमुखी पंजाबी की लिपि है। इसी प्रकार असमिया, ओरिया, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं की लिपियाँ अलग अलग है। इसी प्रकार असमिया भाषा की लिपि अलग है, तमिल की लिपि अलग है, तेलुगु की लिपि अलग है। उनका लिखने का जो ढंग होता है वो अलग अलग होता है। अगर सभी का एक लिपि से आता तो सभी का लिखने का ढंग एक समान होता, परंतु जिस तरह अनेक आधुनिक भारतीय भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न है उसी प्रकार अनेक आधुनिक भारतीय लिपियाँ प्राचीन भारत में प्रचलित ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न है। जिस प्रकार हम लोग बहुत सारे आधुनिक भाषाएं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है उसी तरह बहुत सारे लिपियों की उत्पत्ति है प्राचीन लिपि ब्राह्मी से हुई है। गौर से देखने पर विभिन्न लिपियों में कुछ ना कुछ समानता दिखाई पड़ती है। अगर आप लोग ध्यान से शब्दों को देखेंगे तो विभिन्न लिपियों में कुछ ना कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे सोचो कि बंगला में लिखते हैं हम लोग बो तो हिंदी असामीज में ये हो गया रो, ऐसे लिपि में मेल जो होता है वो मेल भी मिलता है।
कई भाषाओं की अपनी लिपि ना होने के कारण बाद में लिखने के लिए सुविधा अनुसार देवनागरी या रोमन लिपि ग्रहण कर ली गई है। कई भाषाओं की अपनी लिपि ना होने के कारण बाद में सुविधा अनुसार उन लोगों के सुविधा के अनुसार वो लोगों ने देवनागरी लिपि ले ली या रोमन लिपि को उन लोगों ने अपने लिखने के ढंग में यूज करना शुरू कर दिया, व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार लिपि भी एक तरह से भाषिक एकता का निर्वाह करती है, इसी तरह लिपि भी एक तरह से भारतीय भाषिक एकता का निर्वाह करता है, उसको चला कर रखता है। भारतीय समाज की बहुभाषिकता जिस प्रकार कुछ समस्याओं के कारण बनती है, उसी प्रकार भाषाओं के विकास में सहायक भी सिद्ध होता है। भारतीय समाज की बहुभाषिकता जो मतलब भारतीय समाज में बहुभाषिक लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, कुछ समस्याओं के कारण का कारण बनती है, कभी कभी कुछ समस्याओं का कारण भी बन जाता है। विभिन्न भाषा के लोग जब एक साथ में रहते हैं कुछ समस्या का कारण कभी कभी बन जाता है, उस प्रकार भाषाओं के विकास में सहायक भी सिद्ध होता है, उस प्रकार भाषाओं के विकास में भी सहायता होता है। क्योंकि अगर तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला इंसान अगर मणिपुरी हो तो वो कभी भी तुम्हारे साथ गुस्सा हुआ तो कुछ भी मणिपुरी में गाली देगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके बात सुनते सुनते तुम उसकी भाषा को भी सीखना शुरू कर दोगे, उससे बात करते करते तुम उसकी भाषा को भी सीख जाओगे, ये बोला गया है। कभी कभी परेशानी का कारण, समस्याओं का कारण बनता है, तो कभी कभी भाषा के विकास में भी सहायता सिद्ध होता है, सहायता सहायक होता है। पिछड़ी हुई भाषाओं के विकास के लिए उन भाषाओं के क्षेत्रों के आसपास व्यवहार होने वाले विकसित भाषाओं से सहायता लिए जाते हैं। पिछड़ी हुई भाषा मतलब पहाड़ के लोगों में जो भाषाएं बोले जाते हैं, पहाड़िया लोग जो भाषाएं बोलते हैं, भाषाओं के विकास के लिए उन भाषाओं के क्षेत्रों के आसपास जो लोग बोलते हैं, सोचो कि हम लोग एक पहाड़ी अंचल में रहते हैं और पहाड़ के ऊपर में बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं और हम लोग नीचे रहते हैं, हम लोग का जो आधुनिक भाषा है वो हमारे संपर्क में आने के बाद हम लोग की भाषा को वो लोग सीख जाएंगे, उसी तरह से ये कहा गया है। विकसित भाषाओं में सहायता ली जाती है, विकसित भाषा मतलब जैसे हम लोग जो भाषा बोलते हैं उस भाषा से सहायता मिलती है और उस भाषा से वो लोग विकसित होते हैं। भाषा के विकास के लिए हमारे मन में अपनी अपनी भाषाओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना अति आवश्यक है। भाषा के विकास के लिए अपनी भाषा का इज्जत देना, अपनी भाषा का सम्मान करना ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, उसका सम्मान करना, इज्जत करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम अपनी भाषा को सम्मान नहीं देंगे, उसका व्यवहार करना शर्म की बात समझेंगे तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। अगर हम अपनी भाषा का व्यवहार करना मतलब अच्छा नहीं समझेंगे, इस भाषा को अच्छा नहीं लगता ऐसे अगर सोचेंगे तो उस भाषा का विकास कभी नहीं हो पाएगा। अगर हम उसको शर्म की बात समझेंगे कि अपनी भाषा बोलना, अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म लगता है, हैं ये बोलने अगर ये सोचेंगे तो इस भाषा का विकास कभी नहीं होगा, ये उधर में ख़त्म हो जाएगा, उसका व्यवहार करना शर्म समझेंगे। सॉरी, एक समय ऐसा आएगा जब वो भाषा मृत भाषा कहलाएगी, एक समय ऐसा आएगा कि वो भाषा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और उस भाषा को मृत भाषा, जिस भाषा को कोई बोलता नहीं है, ठीक है, ऐसे भाषा वो लुप्त हो जाएगा टोटली। हमारे देश में अब अनेक भाषाएं संकटग्रस्त भाषाओं की तालिका में सन्निविष्ट है। हमारे देश में अभी भी ऐसे बहुत सारे भाषाएं जो संकटग्रस्त अवस्था में है, जैसे जिस भाषा का ख़त्म हो जाना मतलब दो चार दिन का मेहमान है वो लोग, ऐसे सोच लो कि वो भाषा ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से, ऐसे बहुत सारे भाषाएं हैं। हमें अपनी भाषा को ऐसे होने से रोकना है और हमें ये काम करना है कि हमें अपनी भाषा को उस भाषाओं के लिस्ट में नहीं लाना है जो भाषा ख़त्म हो जा रहा है, हैं हमें अपनी भाषा को और भी बोलना है, लोगों को भी सिखाना है और खुद भी उसका प्रचार प्रसार करना होगा, नहीं तो हमारी भाषा भी लुप्त हो जाएगा। अपनी भाषा की तरह ही अन्य भाषाओं के प्रति भी श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना चाहिए, और अपनी भाषा को जितनी तरह हम लोग सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं, उसी तरह दूसरी भाषा को भी सम्मान और इज्जत देना ज़रूरी है। हम जितनी अधिक भाषाएँ सीखेंगे, हम लोग जितनी अधिक भाषाएँ सीखेंगे उतनी अधिक अपनी भाषा का विकास करने का सामर्थ्य प्राप्त करेंगे, उतनी अधिक हम लोग अपनी भाषा का विकास करना सामर्थ्य समझेंगे। अगर तुमने मणिपुरी सीख लिया, तमिल सीख लिया, कोई भी भाषा तुम लोग सीख लोगे तो उस जिस इंसान ने तुम्हें सिखाया है, जिससे बात करके तुमने सीखा है, उनसे भी अपनी भाषा भी तुम शेयर कर सकते हो, उनको भी अपनी भाषा तुम सिखा सकते हो, इसलिए इससे हम लोगों का भाषा का भी प्रचार प्रसार होगा। भाषाओं के बीच आदान प्रदान जितना बढ़ेगा उतना ही ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा, भाषाओं के बीच आदान प्रदान जितना बढ़ेगा उतना हम लोगों का ज्ञान की वृद्धि भी होगी और भाषाओं की श्रीवृद्धि होगी और भाषा का श्रीवृद्धि होगा, मतलब और भी ऊंचा जाएगा भाषा, और भी बड़ा होता जाएगा, वृद्धि होता जाएगा। विभिन्न भाषाओं के बीच पारस्परिक संपर्क में ही भाषिक एकता भी समाहित होती है,
और विभिन्न भाषाओं के पारस्परिक संपर्क के बीच, एक दूसरे के साथ संपर्क के बीच ही भाषिक एकता भी समाहित होता है, ये भाषिक एकता देखने को मिलता है। ये था आज आपका पाठ। अगर इस पार्ट में आप लोगों को किसी तरह की कोई भी असुविधा हो तो आप लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और एक शब्द है, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में जो 22 भाषाएं थी उस भाषा की तालिका आप लोगों की बुक के नीचे लिखा हुआ है, वो आप लोग एक बार पढ़ लेना। उसमें है असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बोरो, बांग्ला, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, ये 22 भाषाएं भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में स्वीकृति प्राप्त भाषा है, देश में बोले जाने वाली भाषाओं में है। ये था आपका पाठ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।